हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेयर एड्रेसेस एंड प्रोटोकॉल ऑफ TCP/IP। TCP/IP लेयर के जो चारों हमारे लेयर होते हैं, हर एक लेयर की आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ एड्रेसेस यूज होते हैं, लाइक IP एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, होस्ट नेम एंड सो ऑन। उस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्या होता है हर लेयर पे। तो उसके लिए मैंने एक फाइल बना के रखी है जो काफी बेहतर तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब कर सकता है। अगर हम देखें TCP/IP मॉडल में तो हमारे पास चार लेयर ही होते हैं, जहां पे एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस या नेटवर्क इंटरफेस। वहीं हम PDU की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज हमारा मैसेज ही तरह कंसिडर किया जाता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट, या ये हमारा सेगमेंट की तरह पैकेट भी सेगमेंट हमारा कहा जाता है। जबकि नेटवर्क लेयर पे डेटाग्राम या पैकेट कहा जा सकता है। डेटाग्राम कब कहते हैं, जब UDP लेकर जाता है डेटा को, और जब TCP लेकर जाएगा तो उसी को हम पैकेट कहते हैं। जबकि नेटवर्क एक्सेस पे फ्रेम, और फाइनली जो हमारे केबल्स के थ्रू जाता है वो बिट्स के फॉर्म में 0 या 1। ओके, तो ये लेयर और लेयर पे डेटा जिस नाम से हम जानते हैं, जैसे OSI मॉडल में हमने जाना। एड्रेसेस की हम बात करें तो हर लेयर पे एक स्पेसिफिक एड्रेसेस TCP/IP में यूज किया जाता है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हो इस नोट्स के बाद या इस वीडियो के बाद। एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेसेस होता है, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो आइडेंटिफिकेशन यूज किया जाता है वो पोर्ट एड्रेसेस यूज किया जाता है, जो 16 बिट का होता है, जो TCP और UDP दोनों के साथ यूज किया जाता है। इंटरनेट लेयर पे लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसको आप IP एड्रेस कहते हो, आपका IPv4 या IPv6 हो सकता है, जो नेटवर्क लेयर पे इंटरनेट लेयर पे काम करता है। जबकि फाइनल या लास्ट हम नेटवर्क एक्सेस या नेटवर्क इंटरफेस की बात करें TCP/IP मॉडल के, तो फिजिकल एड्रेसेस, जिसको हम कभी मैक एड्रेस, बर्निंग एड्रेस, ईथरनेट एड्रेस, Layer 2 एड्रेस OSI मॉडल के अकॉर्डिंग कहते हैं। ओके, तो पहली चीज यहां पे हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेसेस। एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेसेस में अगर हम डिस्कस करें तो ये एक यूजर फ्रेंडली एड्रेस होता है, जैसे हम यूज करते हैं एग्जांपल के तौर पर adityakr@gmail.com या URL हुआ हमारा यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर, जैसे यहां पर हमें www.adityakr.blogspot.com, दिस इज माय ब्लॉग, इसका एड्रेस। तो ये एप्लीकेशन बेसिक एक लोकेशन होता है, एक एड्रेस होती है, एक यूनिक एड्रेस होता है। There might be your host name as well. आप देखा जाए तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, होस्ट नेम भी हम इसी कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। पोर्ट एड्रेसेस क्या होते हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं। तो पोर्ट एड्रेसेस बेसिकली हमको प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन रन कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। उसको मैं और अच्छे से बताने के लिए थोड़ा सा मैं पेंट का यूज करता हूँ। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे एक ड्रॉ बनाते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसको मैं क्लाइंट कंसीडर करता हूँ, एक बड़ा सा थोड़ा सा कंप्यूटर, इसको मैं सर्वर कंसीडर करता हूँ। तो सर्वर पे हो सकता है आपने कई सर्विसेज एक साथ अप्लाई किया हो, जैसे आपने अप्लाई किया हो DHCP, आपने अप्लाई किया हो DNS, आपका रन कर रहा है FTP और टेलनेट FTP, और आपके पास ये लिंक है। तो क्लाइंट अगर किसी के लिए रिक्वेस्ट सर्वर के पास करता है तो सर्वर कैसे कैसे कंसीडर करता है कि ये रिक्वेस्ट जो आया है वो किसके लिए आया है, DHCP IP लेने के लिए, नेम रिजोल्यूशन करने के लिए, फाइल डाउनलोड करने के लिए। वो बेसिकली हमारा पोर्ट नंबर के बेसिस पे जानता है। तो एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करता है तो कई चीजें यूज करता है। जैसे हम यहाँ पे लेयर थ्री की बात करें तो लेयर थ्री पे क्या क्या इंफॉर्मेशन जाना ही चाहिए, या एक कंसीडर करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन एक सी अपने सर्वर को भेजता है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या क्या होगा, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ओके, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और सोर्स प्लस डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, राइट।
सो पोर्ट एड्रेस ही वो एड्रेस है जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस एप्लीकेशन पे इसको हमें लिसन कराना है, राइट. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम डीएससीपी की बात करें तो डीएससीपी का पोर्ट नंबर क्या है, आई थिंक 67 एंड 68, राइट. डीएनएस का पोर्ट नंबर क्या है, 53. भाई एफटीपी के हम पोर्ट की बात करें तो 20 है ना. सो जब एक कोई पैकेट बनेगा, कोई फ्रेम बनेगा जो डेस्टिनेशन सर्वर पे भेजा जाएगा, तो आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के साथ सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी मेंशन किया जाता है. तो पोर्ट नंबर के बेसिस पे ही आपका सर्वर आइडेंटिफाई करता है कि आपने किस चीज के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, कौन सी सर्विस आप मेरा यूटिलाइज करना चाहते हो. इट माइट बी डीएससीपी, इट माइट बी डीएनएस, एफटीपी और सम अदर, राइट. सो दिस इज व्हाट बेसिकली अलाउड टू आइडेंटिफाई दैट विच एप्लीकेशन और विच सर्विस यू वांट टू यूज. दिस इज व्हाट कॉल्ड पोर्ट एड्रेस. सो पोर्ट एड्रेस को अगर हम और थोड़ा डीप में पढ़े तो पोर्ट एड्रेस में क्या है, जैसे पोर्ट नंबर 80 जो HTTP के लिए यूज होता है, HTTPS के लिए 443, वही हमारा FTP और हर एक एप्लीकेशन के लिए लगभग एक पोर्ट नंबर होता है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोर्ट डिफाइंड बाय आइना. जो पोर्ट का देखरेख या मैनेजमेंट करता है वो आइना करता है. सपोज दैट आप चाहते हो कि कोई एक एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन जैसे एक BitTorrent की हम बात करते हैं, वो भी एक हमारा एप्लीकेशन है जो स्पेशली फाइल को डाउनलोड करने के लिए अलाउ करता है, तो BitTorrent का भी एक पोर्ट नंबर होता है. सेम आप कोई भी एक एप्लीकेशन चलाना चाहते हो आप नेटवर्क पे, तो आपको एक पोर्ट नंबर चाहिए, राइट, ताकि उस पोर्ट पे आप लिसन करो, इनफैक्ट उसी पोर्ट पे आप फॉरवर्ड करो. बेसिकली हम पोर्ट नंबर एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जानते हैं, जैसा कि अभी भी हमने जाना. ओके, तो पोर्ट नंबर की पूरी देखरेख आइना करता है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी और आइना, जो ICANN के अंदर काम करता है, राइट. तो आइना से आपको उस पोर्ट को रिजर्व कराना होता है, उस रिजर्व को हम कह सकते हैं परचेस कराना होता है या रजिस्टर कराना होता है, रजिस्टर कराना होता है. तो आइना इन पोर्ट को 3 कैटेगरी में बांटता है. ओके, वो कैटेगरी क्या क्या है इस स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे. एक पोर्ट है हमारा वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर पोर्ट्स, डायनेमिक या प्राइवेट पोर्ट्स. वेल नोन पोर्ट्स ऐसे पोर्ट जो काफी जाने सुने नाम से हैं या मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यूज करते हैं, जिसका रेंज स्टार्ट होता है 0 से 1023 तक, जैसे HTTP, HTTPS, FTP, DNS एंड सो ऑन, राइट. जबकि हम बात करें रजिस्टर पोर्ट की, तो रजिस्टर पोर्ट स्टार्ट होता है 1024 से 49151. ओके, जबकि डायनेमिक या प्राइवेट पोर्ट्स हमारे स्टार्ट होते हैं 49152 से 65535. तो ये 3 पोर्ट्स होते हैं सब पोर्ट्स. अगर आप पोर्ट्स के बारे में ढेर सारा डिटेल देखना है तो आप गूगल पे जाओ और आइना के वेबसाइट्स पे आप सर्च कर सकते हो कि कौन सा पोर्ट किसके लिए अलॉट किया गया है, किसके लिए असाइन किया गया है. फिलहाल इस वीडियो में हम ये जान रहे हैं कि पोर्ट एड्रेस होता क्या है और कितने प्रकार के पोर्ट एड्रेस होते हैं. तो फिर से एक बार रिकॉल करें, पोर्ट एड्रेस हमने जाना 3 प्रकार का होता है, वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर पोर्ट, डायनेमिक पोर्ट या प्राइवेट पोर्ट्स. ये पोर्ट एड्रेस हमारा कहां पे काम करता है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है. अगर आपने TCP यूज किया उस केस में भी, अगर आपने UDP यूज किया उस केस में भी. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर यहां पे देखें एक DNS सर्विस रन कर रहा है और हमको पता है DNS UDP भी डेटा लेकर जाता है जबकि TCP भी डेटा लेकर जाता है, तो दोनों ही केस में 53 नंबर का पोर्ट नंबर यूज होता है, राइट. तो हो सकता है UDP के लिए डिफरेंट यूज हो रहा हो, TCP के लिए डिफरेंट. मींस अगर हम 2 के पावर 16 बिट को अगर हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2 के पावर 16 हम करेंगे, जिसका फुल अगर हम देखें तो मिलेगा हमको 65536 एड्रेसेस जो सिर्फ TCP के साथ यूज कर सकते हो. सेम आप UDP के साथ ही यूज कर सकते हो, UDP के साथ सेम एड्रेस मींस इंटू 2 हम कर सकते हैं. इतने पोर्ट्स एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल है जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन रन कर रहा है या किस एप्लीकेशन पे उस डेटा को हमें लेकर जाना है डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे, जो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है TCP/IP नेटवर्क के.
उसी तरह अगर हम बात करें इंटरनेट लेयर की, तो जिसको हम लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस कहते हैं, तो आईपी एड्रेस फिलहाल आईपी एड्रेस को और डीप में हम जानेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम जानते हैं आईपी एड्रेस होता क्या है। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज आइडेंटिफायर और एड्रेस ऑफ डिवाइस इन नेटवर्क दैट फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। देर आर टू वर्जन ऑफ आईपी एड्रेसेस दैट वी यूज, देर आर सेवरल वर्जन डेफिनेटली, बट जो यूज किया जाता है IPv4 एंड IPv6। ओके, IPv4 और IPv6 में, जैसे IPv4 के बारे में डिस्कस करें, तो IPv4 एड्रेस 32 बिट का था। IPv4 और IPv6 को काफी हम डिप में आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जान लेते हैं जो 32 बिट का था, जो 2 के पावर 32 अगर हम करें तो लगभग 4.3 मिलियन एड्रेसेस हमको मिलता है अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें। उसको कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसके बारे में आगे और हम डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे ओवरव्यू हम कि हर एक लेयर पे कौन कौन से एप्लीकेशन या कौन कौन से चीजें हमारे काम करते हैं, प्रोटोकॉल्स और आइडेंटिफिकेशन। लॉजिकल एड्रेसेस जो अभी अभी हमने जाना, आईपी एड्रेस और टाइप्स अभी हम नहीं अच्छे से पढ़ रहे हैं, आगे हम जानेंगे। उसी तरह हमारा IPv6 जो 128 बिट का होता है, और लेयर 2 की हम बात करें अगर, जिसको हम डेटा लिंक लेयर और SI मॉडल के अकॉर्डिंग कहते हैं, मैक एड्रेसेस, राइट। तो मैक एड्रेस हमारा हो सकता है लेयर 2 एड्रेसेस, या हमारा लेयर 2 एड्रेसेस में कई चीजें हम कह सकते हैं, हमारा DLCI हो सकता है, DLCI हमारा PVC हो सकता है, SVC हो सकता है, एंड सो ऑन, और मैक एड्रेस। तो बाय द वे हम वन बाय वन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे हर एक TCP/IP लेयर पे आइडेंटिफिकेशन जो चलता है वो कौन कौन से होते हैं। एप्लीकेशन पे हमारे एप्लीकेशन बेस्ड पे होस्ट एड्रेसेस, URL एड्रेसेस हमारे होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पोर्ट एड्रेसेस वर्क करते हैं। नेटवर्क लेयर पे हमारा आईपी एड्रेस वर्क करता है जिसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, और नेटवर्क एक्सेस पे हमारा फिजिकल एड्रेस जिसको हम लेयर 2 एड्रेस और SI मॉडल के अकॉर्डिंग कहते हैं, जो 48 बिट का होता है, राइट। इसके साथ ही दूसरी चीज हम बता दें, लेयर के साथ हर एक लेयर के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल भी वर्क कर सकता है करता है, तो हम हर एक प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मैंने विकिपीडिया से ये इंफॉर्मेशन कुछ आपके लिए शेयर करने की कोशिश की है। जैसे हम एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो DHCP, DHCP v4, DNS, FTP, HTTP, IMAP एंड सो ऑन, दीज आर द प्रोटोकॉल दैट रन ऑन एप्लीकेशन लेयर एंड सो ऑन। देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन दैट रन ऑन एप्लीकेशन लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल। इन द ट्रांसपोर्ट लेयर UDP TCP बेसिकली दैट वी यूज, देयर इज ऑल्सो मोर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, एन इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल IP, IPv4, ICMP एंड सो ऑन। लिंक लेयर या देखा जाए तो RARP, NDP, OSPF एंड सो ऑन, दीज आर द प्रोटोकॉल दैट वर्क ऑन लेयर 2 ऑफ OSI मॉडल। जबकि हम TCP/IP के अकॉर्डिंग कहें तो हम ये कौन सा मॉडल कहते हैं, लेयर कहते हैं, नेटवर्क एक्सेस लेयर। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। Thanks for watching.